अयोध्या नगरी रे बंटा जिबो 450 क्विंटल लड्डू एक शुणिले आपण को आश्चर्य लगुवे किंतु सूचना एभली कि 450 क्विंटल लड्डू अर्थात 1,350,000 टी लड्डू एवं ता भी बेसन लड्डू शुद्ध देशी गाई घिरे तैयारी होता लड्डू एमती एक्सक्लूसिव खबर आज आम अयोध्यारू टीम अर्गस आपन को आज देख प्रथम कारीगर प्रतिक्रिया ने कारीगर भिजुआल कैमेरा पर्सन सुमंत आपको देखेबे जे लड्डू केमती तैयारी चलती आ केबेठू तैयारी है कहीं 450 क्विंटल लड्डू तैयारी हाँ ये गोटे दिन गोटे रातिर कथा नुह सीधा सड़क आलोचना करवा आम सहित कारीगर अच्छा भाई साहब क्या नाम आपका बताए मदन लाल पाल जी। ये जो मिठाई लड्डू बन रहा है वो किसका लड्डू है और कहाँ जाएगा कितने दिन ये लगा हुआ है 6 तारीख से लगे हुए हैं 10 फरवरी 15 फरवरी तक में बन जाएगा 45 क्विंटल लड्डू है 450 क्विंटल की लड्डू आप बना रहे हैं 1,350,000 की लड्डू बनेगा छोटे छोटे लड्डू ये बड़ा कुछ लड्डू बन रहा है या फिर सभी समान साइज का सभी समान साइज का अच्छा कितने घंटों तक आप काम कर लेते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक ये लड्डू जो प्योर देसी घी में बना हुआ है वो खराब नहीं होगा या फिर कुछ 5-6 महीने तक चलेगा देसी घी गाय के है और उसके बाद चीनी है घी है बेसन है लाची है काजू है ये कितने दिन से आप आरंभ किए और कितने दिन तक ये खत्म हो जाएगा 6 जनवरी से काम कर रहे हैं 15 फरवरी तक में हो जाएगा थकान नहीं होती इतने थकान रात में भगवान का सेवा करना है इसी बहाने कितने कारीगर लगे हुए हैं 40 कारीगर लगे हुए हैं जमती सुनुले 40 कारीगर लागिछन्ते एवं ये तैयारी चली बेसन लड्डू प्योर देसी घी रे ये लड्डू तैयारी चली आपको एक्सक्लूसिव खबर देखो अयोध्या नगरी रे मिठा बंटा जीव साधारण लोकों पाखकु जो शुभ मुहूर्त पहुँची 550 वर्षर संघर्ष पर रामलाला जितेबाला विराजे अयोध्या से आउ किसी समय पूर्व भिजुआल देखा पूरा अयोध्या नगरी रे मिठा बंटा जीव ये जड़े ट्रस्ट पक्षर मिठा दि जाए प्रतिक्रिया ना कि ये बेसन लड्डू शुद्धता आप देखु कितने लड्डू तैयारी हो कैमेरा रे आमे कैद करने चेष्टा करुच्छे किंतु लाइन ही सरुना ये लड्डूर भिजुआल आम देखु केमती तैयारी चली पूरा नुआ बर्तन नुआ जगार या महिला कारीगर अच्छा पुरुष कारीगर अच्छा 40 जन कारीगर लगी VVIP मानक तो यह बंटा जीव कि पूर्व प्रभु श्री रामलाला पाखे ये लड्डू आगे परसा जीव आगे प्रभु पाखे लगे तापर ही अन्य मानक पाखक ये दिजाव सीधा साल कथा बा महाराज जी आम सहित अच्छा सी कौन अधिक कहूँ सहित आलोचना करवा महाराज जी ये जो लड्डू अभी बन रहा है हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी संख्या से बन रही है कितने आप बता सकते हैं लड्डू 1111 मन लड्डू है और ये लड्डू बन के रामलला का भोग लगेगा ये हमारे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मर्षि जोगी सम्राट श्री दोराहवा जी महाराज की संकल्पना अनुसार ये आज कार्य पूरा हो रहा है जो 22 जनवरी को रामलला का स्थापना होगा संकल्प लिए थे क्या ऐसे बनाएंगे नहीं संकल्प लिए थे कि राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनेगा समस्त विश्व के लोगों को बताए थे ये पहले भविष्यवाणी कर दी थी 1989 में तो आज पूरी हो गई तो उन्हीं के प्रतिमूर्ति उन्हीं के स्वरूप ब्रह्म देवता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज जो अब उनके आज उनके अनुयायी हैं उत्तराधिकारी हैं तो वो उनके द्वारा ये 1111 मन लड्डू का निर्माण किया जा रहा है शुद्ध देसी घी में और ये लड्डू का भोग रामलला को 22 तारीख को लगाया जाएगा ये सब चांदी के थाल में चांदी की थाली में 7 चांदी के थाली में लड्डू रामलला को भोग लगेगा वो प्रसाद के रूप में समस्त भारतवर्ष के लोगों को वितरण किया जाएगा जो हमारे मान्य अतिथिगण वहाँ उपस्थित हो रहे हैं यानी लगभग 151 संप्रदाय के सभी संत महात्मा हैं उद्योगपति हैं खेल जगत से हैं और सब काफ़ी विद्वत जो लोग हैं जो वहाँ उपस्थित हो रहे हैं जिनको प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ है तो रामलला का स्थापना के समय में भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंचालक मोहन भागवत जी होंगे राज्यपाल होंगे उत्तर प्रदेश के आनंद मुख्यमंत्री होंगे और पुजारी जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी वो भी होंगे ये 5 लोग ही गर्भगृह में होंगे वहाँ ये लड्डू का भोग लगेगा और भोग लगने के पश्चात उन लोगों को प्रसाद मिलेगा और फिर प्रसाद बंटना शुरू हो जाएगा झोला में तो हम 11,000 झोला जो है
हम 22 तारीख को जो उसमें विशिष्ट लोग अंदर रहेंगे उन लोगों को हम एक एक झोला प्रसाद देंगे। निकलने दर्शन करके निकलने के पश्चात हम एक एक झोला उन लोगों को प्रसाद देंगे। जितने आए हुए आगंतुक हैं सब लोगों को 11,000 झोला हम तैयार कर रहे हैं। उस झोला में एक टिफिन में 11 लड्डू होंगे, बड़ा टिफिन है उसमें, छोटे में 5 हैं, तो वो 11 लड्डू होंगे और 2 महाराजश्री का चित्र होगा, 2-3 साहित्य होंगे, 1 चादर होंगे और वो सभी वहाँ जो उपस्थित 11,000 लोग होंगे उन लोगों को हाथ में दिया जाएगा आश्रम के। ये जो हम देख रहे हैं ये जो लड्डू बन रहा है अभी, बहुत सारे महिलाएं लगे हुए हैं, पुरुष भी कारीगर लगे हुए हैं, ये एक छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है प्रभु के लिए। ये है शुद्धता कितनी है। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इनको महिलाएं नहीं कहता हूँ, ये सब माताएं हैं, ये राम भक्त हैं और सेवा में लगे हैं। हम महिलाएं नहीं कहते हैं, हम सब लोगों को देवी कहते हैं, देवी हैं भी, ये हमारी संस्कृति और संस्कार में है, तो इसलिए हमारी माताएं हैं, ये देवी हैं और इनके अंदर श्रद्धा है, भाव है और ये सब राम भक्त हैं और ये सब लोग विज्ञ हैं, प्रबुद्ध हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, ये सब लोग हैं। तो ये सब लोग श्रद्धा से इस लड्डू को पैक कर रहे हैं कि हमारा भाव सब सेवा भाव से कर रहे हैं, ये राम भक्त हैं, सेवक। प्योरिटी कितना है, जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि प्योरिटी हमारा 100% है, क्योंकि देसी गाय का शुद्ध घी हमारे हम चयन करके लाए हैं। बूरा जो है हमारा स्पेशल है, हमारा बेसन भी स्पेशल है, सब हम अपने सामने तैयार कराए हैं और हमारा कारीगर भी स्पेशल है, जो वाराणसी से हम मंगाए हैं, वो कारीगर लड्डू स्पेशलिस्ट है, वो लड्डू बनाने वाले। ये लड्डू जो हमारा है अगर 6 महीना भी आप रखे रहेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी तरह आपको मिलेगा, ये विशेषता है। मुहूर्त में मिठाई भी खाया जा, सभी खाते हैं, तो इसलिए इसको उस हिसाब से रखा गया है। हमारे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मवेत्ता देवरा हंसबुआजी महाराज यह कहे हैं कि हम समस्त भारतवर्ष के राम भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को जो प्रसाद लेना चाहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि सब लोगों को यह प्रसाद मिले भगवान राम का, क्योंकि 500 साल पुरानी जो ये हमारी विवाद थी वो आज समाप्त हो रहा है और पूरा विश्व, पूरा देश हमारा राममय बन गया है। ये प्रतिक्रिया शुणुले जी एठाकार महाराज जी अच्छा एवं पूरा कथा आपको देखते केमती प्योरीटर सहित ये देसी शुद्ध गाई घी में या बेसन लड़ू अधिकंत से इलायची मिसी अधिकंत काजू मिसी किसमिश मिसी कि सुंदर भाव में ये या सबू जमी कहते आम क्या महिला भक्त पुरुष भक्त नुहे समस्ते राम भक्त समस्ते राम सेवक। ये जो बर्तन आपड़ देखुं पूरा नुआ बर्तन या पूरा किणा जावल प्रभु श्री रामचंद्र जदिओ ये बर्तन ने भगवान खाइबे भगवान को पाखरे प्रसाद लग लगा जीवनी केवल चांदी रो जो थाली रही से भगवान को में प्रसाद लगा जीव एवं ता सहित जो लोक माने साधारण लोक माने रहिबे वीवीआईपी रहिबे सेमानों को पाई लड्डू मध्ये एबे थारु पैक हेलाणी काहे किना आउ अल्प दिन रही 22 तारीख पर्यंत लक्ष्य रखा जाय छी आउ किछि प्रतिक्रिया मध्ये नबा जो राम भक्त माने आम सहित आउ जोडी होचंती। मैडम क्या नाम आपके बताए? अंजुला श्रीवास्तव जी। अभी जो लड्डू आप पैकिंग कर रहे हैं वो रामलाला के यहाँ जाएगी तो कितना खुश है, कितने समय से आप ये कर रहे हैं? मुझे तो अभी 4-5 दिन आया, 3-4 दिन ही आए हुए हुए हैं, लेकिन खुशी की जहाँ तक बात है तो उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो सेवा ही है। बस हम यहीं पर रहे हैं, हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब गोलियाँ चली थी यहाँ पर और उसके बाद अब ये देख रहे हैं इतना परिवर्तन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ठिकाना नहीं है, से बयान नहीं कर सकते निहाती भाव शब्द रे बयान करी हबो नहीं, कहीं ना ये हूँ खुशर कथा। यही माने से माने जो माने से समय गुड़ी चाड़ना देखी ले संघर्ष देखी ले रक्तर नदी जिते बड़े ये सरोज नदी कूल बही था से समय मध्य थे ये इतिहास कथा। मैडम आप जब लड्डू अभी पैक कर रहे हैं वो अयोध्या नगरी में बंटा जाएगा तो अभी क्या महसूस है? बहुत महसूस है, इतनी खुशी हो रही है कि इस काम को करने का हम लोग को मौका मिल रहा है और हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा, कब यहाँ पे कुछ होगा और इतना बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लड्डू पैक कर लेते हैं एक ही डिब्बे में? अरे हम लोग कम से कम 1,500 डिब्बे पैक होते हैं रोज, हजारों से ज़्यादा, इतने तो हम लोग करके जाते हैं, बाकी और 12 बजे रात तक पैकिंग होती है यहाँ पे, 12 बजे रात तक पूरी पैकिंग होती है। एक ही डब्बा में कितना भर लेते हैं? बड़े में 11 लड्डू हैं और छोटे वाले में 5 लड्डू।
ये देखंतु विजुअल ये होची बड़ टिफिन जहाँ को आम बड़ टिफिन कहे ये 11 लड्डू भर्ती करा एवं पैकिंग रे 11 लड्डू करा एवं ये लोगो रखा जाउछे कहीं ये जने बाबांकर ट्रस्ट पक्षर करा देवरा हंस बाबा जे कि प्रतिज्ञा नहीं थे जिते बड़े राम मंदिर रे प्रभु श्री रामचंद्र विराजे सेतबेले ही यही भाव में किसी लड्डू बंटा जाव ये छोट कथा नुहे 450 क्विंटाल लड्डू बंटा जावा किसी छोट कथा नुह आउ किसी शेष प्रतिक्रिया नवा जी मैनेजमेंट रही रही केमती सबू कारीगर को सामान भाव में कम बंटा जाने भिजुआल देखेबू अने भी केमती प्योरीटी बर्तमान बासन सब सफा कर कहीं नुआ ये सब बर्तन आसी मैडम कैसा लग रहा है अभी राम के सेवा में आप सब लगे हुए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी क्या चल रहा है आपके विभाग में, क्या चल रहा है? राम जी की सेवा चल रही है आराम से। ये तो बर्तनों की सफाई अभी ये लोग कर रहे थे, हम लोग तो लड्डू पैकिंग कर रहे थे। अभी वहाँ से याद तक आए हैं भाई, ये बच्चे चले गए तो हम लोग आके सेवा तो करनी है। सेवा कुछ भी सेवा हो, सेवा तो सेवा है, चाहे वो पैकिंग क्या है। ये बाबरे ये देखंतु मुहरे केते खुशी अच्छी केते हस अच्छी कहीं ना ये प्रभु श्री रामचंद्र सेवा यठिकार जी मैनेजमेंट बुझुचंती सहित मध्य कथा हबा। सर ये जो अभी भाव से लोग कर रहे हैं, सब राम भक्त हैं, ये सब कर रहे हैं अभी काम, तो कैसा लग रहा है ये माहौल? क्योंकि हमें जो फील हो रहा है यहाँ पर सब राममय होगा, यहाँ पर सब लड्डुएं बटा जाएगा अयोध्या नगरी तक, तो कैसा महसूस हो रहा है सर? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतना एहसास हो रहा है हमको, जीवन में हमको पहली बार मिला है, इस जीवन में पहले कभी मिला नहीं, आगे जीवन में हमको मिलना नहीं है। ये सौभाग्य किसी को आगे 7 दिनों में मिलने वाला नहीं है। इतना हमको भाग्य मिला है कि हमारा देवरा हंस बाबा की तरफ से हमको इसके लिए चुना गया, हम इसको काबिल समझे हमको। कितने दिनों तक सर खत्म हो जाएगा ये? अपना 7 दिनों चालू हो रखा है काम, ये लगभग 15 फरवरी तक चलेगा काम अपना। 15 फरवरी पूरा प्योरिटी है भगवान की, तो प्योर प्योरिटी है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग का काम नहीं है। प्योर देसी गाय का घी है इसमें, शुद्ध बेसन है, शुद्ध अपना बूरा है इसके अंदर, कांजू है, इलायची है, केसर है इसके अंदर। 5 चांदी के थाल रहेंगे हमारे, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी ये जाएंगे थाल, 500 थाली चांदी के थाल जाएंगे, वो भी लगभग 5 लोग एक थाल अपना। थाली में कितना लड्डू हो सकता है? थाली में रहेगा 251 लड्डू, एक लड्डू में चढ़ाया जाएगा 251 लड्डू एक में रहेगा। उसके बाद में लड्डू का भोग लग गया अपना, उसके बाद में झोला जाएगा अपना, ये अपने देवरा हंस बाबा ये ट्रस्ट रहेगा, देवरा हंस बाबा ट्रस्ट न्यास है अपना, इनके द्वारा पूरा काम करवाया जा रहा है। ये चीज़ ये अपना इनके द्वारा करवाया जा रहा है पूरा काम। ये उसका चुंडी रहेगी अपनी, एक अपनी ये हुक रहेगी इसके अंदर, एक ये मखाना प्रसाद रहेगा, 2 छवि रहेगी इसके अंदर, एक अपना इसका बाबा की वाणी का है इसके ऊपर, उसका कैलेंडर रहेगा साथ में। पब्लिक ये ले सकता है? इसमें ज़्यादा लुका टिप्पण रहेगा, ये VIP लोगों के लिए, VVIP लोग आएंगे, उसके बाद पब्लिक लोगों में, आम पब्लिक में बटेगा। ओके निहाति भावरे ये प्रतिक्रिया शुणुले आम एक्सक्लूसिव खबर आपको देखा, अयोध्या वर्तमान प्रस्तुति चली 450 क्विंटाल देसी शुद्ध घी वर्तमान तैयारी चली लड्डू। ये हूँ बेसन लड्डू जो प्रभु श्री रामचंद्र सरकार आउ किसी दिन अपेक्षा 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा दिन यू ही 450 क्विंटाल लड्डू जीव प्रथम प्रभु रामचंद्र पाखरे लागिबो चांदी रो थाली जो भाई भाव में कहते सेठी जीव चांदी थाली रे 250-80 लड्डू नियाजिबो एवं सेठी लागिबो तापरे VVIP मानक मध्ये बंटा जीव एवं ता सहित पब्लिक रो लोक मानक मध्ये बंटा जीव। अयोध्या नगरी जेतिकी खुशी ताठु अधिक खुशी एठिकार लोक माने जो माने समस्त राम भक्त समस्ते सेवारे लागिछंती। अयोध्या रो कैमरा पर्सन सुमन साहू को सह स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।